हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जैक बोर्ड ने सेकेंड मॉडल सेट जो है वो जारी कर दिया है, ठीक है ना। इससे पहले स्टूडेंट सेट वन जारी किया था, है ना, और हम सभी ने सेट वन के सारी क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन, जो मैथमेटिक्स जो है ना, इस सब्जेक्ट का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने किया था, ठीक है ना। आप उन्हें ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है सेट टू के क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे, ओके। तो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है जी, आपसे बोल रहा स्टूडेंट एफ एक्स बराबर दिया है 3, है ना। इज ए फंक्शन, यानी कि एफ एक्स बराबर जो 3 जो दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, दूसरा जो दिया हुआ है कॉन्स्टेंट फंक्शन है क्या, तीसरा मॉडुलस फंक्शन, और चौथा में दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट दिया होता है, केवल नंबर दिया होता है, ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन, है ना। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर 3 दे दे, है ना, कोई नंबर रहेगा, ये क्या होगा, नंबर होगा, ओके। अगर हमारा फॉर्म एफ एक्स बराबर केवल नंबर रहेगा ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे फर्स्ट मॉडल सेट में आपको बताया था स्टूडेंट, है ना, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइंड किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी डिफाइंड किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो है कांस्टेंट दे दिया, एफ एक्स बराबर नंबर दे दिया, है ना। तो एफ एक्स बराबर नंबर जब रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ओके। तो यह हमारा जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इसको टिक करेंगे आप। लेकिन अगर बात रहा कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फॉर्म होता है, तो आपको बताया था स्टूडेंट, देखिए मैं दूसरे को इसको बता देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा फॉर्म होता है y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, है ना, जहाँ मैंने बताया था a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऐसे कंडीशन जब हम फंक्शन होते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन तो बताया कि एफ एक्स बराबर केवल आपके नंबर होंगे, है ना, वो भी रियल नंबर, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो ये मॉडुलस फंक्शन इस फॉर्म में होता है, एफ एक्स बराबर लिखा रहेगा इस तरह से, है ना, तो ये मॉडुलस फंक्शन होगा, और नन ऑफ दिस की बात ही नहीं है, वो तो कोई नहीं होगा, तब उसको टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका फर्स्ट का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो सेकेंड पे आ जाते हैं, है ना, आप यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। देखिए सेकेंड पे आ जाते हैं स्टूडेंट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 दे दिया, ओके, और बोल रहा है एफ ज़ीरो का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी करके, है ना। तो आप कैसे वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट, सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया, एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, है ना, और पूछ रहा है फंक्शन में जीरो बैठा कर, तो फंक्शन में जीरो पुट कर दीजिए एक्स की जगह पर, ये तो निकालना ना स्टूडेंट, एफ ज़ीरो, तो क्या करना है, एक्स के जगह पर जहाँ है ना वहाँ जीरो जीरो पुट कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका आंसर। जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 7, और जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो प्लस 7, तो आप जान रहे थे कि जीरो जीरो 7 डायरेक्ट 7 हो सकता था, मैंने करके दिखा दिया, देखो ऐसा लिख सकते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लस का 7 है तो प्लस 7 में, ओके, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट, हाँ चलो आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं अब, है ना। देखिए क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है स्टूडेंट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। तो ये इनवर्स ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और मैंने कई क्वेश्चन आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर भी स्टूडेंट अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें कैसे बनाएंगे, है ना। देखो सिंपल सा आपको बता देता हूँ, साइन इनवर्स दिया 1/√2, है ना। आप हमारे इनवर्स ज्योमेट्री के जो है वीडियोस हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, हम यहाँ बता रहे हैं तो टू दी पॉइंट हम बात करेंगे आपसे। देखो साइन इनवर्स है, आपकी ये जो वैल्यू दी है वह ना उसको साइन में ही वैल्यू बताना है, साइन कितना का वैल्यू होता है ये सोचना है आपको, ओके। तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 साइन कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट, तो साइन 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, ओके।
तो हम यहाँ लिख देंगे साइन पाई बाय फोर, ठीक है ना। जो फंक्शन रहेगा बाहर उसी फंक्शन में उसी फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे, मतलब उसी फॉर्मेट में, कि अगर कॉस रहेगा तो कॉस कितना का वैल्यू होता है वो देख कर लिखेंगे, ठीक, याद होना चाहिए आपको। अच्छा एक बात स्टूडेंट, आप ये जानते होंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा ये प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट, बाहर में इनवर्स और अंदर में उसी का फंक्शन साइन थीटा रहता है, तो हम लोग लिखते हैं थीटा, ये जो एंगल होता है ना उसका वैल्यू जहाँ बिलोंग्स करता है, साइन के इनवर्स का प्रॉपर्टी है माइनस पाई टू से पाई टू, हम थीटा लिख सकते हैं, जो थीटा लिखेंगे ना वो वैल्यू आना चाहिए माइनस नब्बे और प्लस नब्बे के बीच में, यानी माइनस पाई टू से पाई टू के बीच में, ठीक है। तो देखो आराम से, साइन इनवर्स है, साइन है, यहाँ पर एंगल दिया तो हम एंगल लिखेंगे पाई बाय फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए, ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट में टिक करोगे। अब यहाँ सोचो ये तो सही हो गया ना, ठीक है, दूसरे वास्ते ही बता दे रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारा सही था कि नहीं, बिलोंग्स करना चाहिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। बताओ स्टूडेंट ये जो पाई फोर है 45 डिग्री, माइनस नब्बे और प्लस नब्बे, सोच लो लाइन में माइनस नब्बे इधर आता है, नब्बे आता है, बीच में कहीं ना कहीं 45 तो आएगा, है ना, तो कवरेज एरिया में आ रहा है ये, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही था, तो आपका पाई फोर होगा, ठीक है। आप हमारे यूनिवर्सिटी मेट्रिक के जो है वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताया है, यहाँ हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। ओके फटाफट फिर भी लिख लो, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, फोर हो गया था ना, नहीं फोर नहीं हुआ, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स वन बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वन बाय टू इज, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, आप जानते भी होंगे ये प्रॉपर्टीज होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, अगर एंगल दोनों सेम है, जो यहाँ पर एंगल वैल्यू है यहाँ पर एंगल वैल्यू सेम है ना, और एक साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स में है एक फंक्शन, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है पाई बाय टू, क्या होता है पाई बाय टू। दूसरी बात बता दूँ, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का ही फॉर्म रहता है तो इसको भी पाई बाय टू होता है। अच्छा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी होता है पाई बाय टू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमें निकालना है साइन है ना, तो साइन इनवर्स वन बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वन बाय टू, है ना, यस यही क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल। अब गौर करो, मैंने अभी जस्ट प्रॉपर्टी बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, पाई बाय टू, एंगल सेम रहेगा तो। अब देखो साइन एंगल तो सेम है, साइन इनवर्स अगर एक समझ कर काम किया जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पैटर्न पे है, तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाय टू, ठीक है ना। अच्छा साइन पाई बाय टू यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट, है ना, आपने टेंथ में पढ़ा है, ठीक है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, है ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है, सब वैल्यू जानते हैं आप, ठीक है ना, तो 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ओके देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और एडजॉइंट फाइंड करने वास्ते पूछ रहा, बोल रहा है स्टूडेंट इफ़ ए बराबर मैट्रिक्स दिया 2 5 1 3, ओके देन तब ए डी जे यानी एडजॉइंट ए वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, ये ए जो दिया हुआ है इसका एडजॉइंट क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट शॉर्टकट में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, उसका ट्रांसपोज करना, है ना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि अगर इसका कोई मैट्रिक्स दिया है तो हम लोग एडजॉइंट कैसे लिख सकते हैं। देखो एडजॉइंट ए, है ना, ए का मैं लिखना बता रहा हूँ, सबसे पहली बात क्या करना है, ये जो यहाँ रहेगा ना इसका इंटरचेंज कर दीजिएगा वैल्यू को, ठीक है, इंटरचेंज मतलब 3 को यहाँ भेज दीजिए, 2 को यहाँ भेज देंगे, भेज दिया, ये दोनों वैल्यू को माइनस में लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर हो गया एडजॉइंट, बस हो गया, फिर से समझो मैट्रिक्स है ना, हमको एडजॉइंट लिखना था ना, ठीक है ना, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, नंबर को डायगोनल जो ये है ना इस वाले को इंटरचेंज कर दीजिएगा, 3 को यहाँ, 2 को जो भी नंबर रहेगा इंटरचेंज कर दिया आपने, अच्छा बदल दिया, यहाँ वाले दोनों वाले साइन में माइनस लगा दीजिएगा, अगर पहले से माइनस होगा तो प्लस होगा, यानी कि साइन चेंज कर देना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा,
थ्री माइनस फाइव माइनस वन टू, सी ऑप्शन है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट बोलता है मान लीजिए कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर रूप में फॉर्मेट में है, यानी जो रो और कॉलम उसके बराबर है, ऐसा बोल रखा है। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री, इसके ऑर्डर दिए हुए हैं थ्री बाय थ्री, यानी इसके ये जो मैट्रिक्स है ना उसमें तीन रो हैं और तीन कॉलम हैं, समझे बात को, ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है। तब पूछ रहा है के ए का डिटर्मिनांट, यानी के ए का डिटर्मिनांट बराबर वाट क्या आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं एक बात सिंपल बता दूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो के ए का डिटर्मिनांट, तो इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट के जो ऑर्डर होता है ना, ये कितना थ्री बाय थ्री का दिया ना, तो उसके पावर थ्री, अगर टू बाय टू रहता है तो टू के पावर थ्री, ये कॉन्स्टेंट के पावर बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट के पावर थ्री ए का डिटर्मिनांट। अगर ये हमारा मैट्रिक्स टू बाय टू का देता और ऐसे पूछ लेता टू के ए का डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना होगा, तो कितना आंसर होता स्टूडेंट के टू ए का डिटर्मिनांट, बस समझ आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें तो थ्री बाय थ्री का दिया ना, थ्री बाय थ्री का दिया ना, तो थ्री बाय थ्री का दिया, तो के पावर थ्री और ए का डिटर्मिनांट इसका आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इस पर, है ना। तो क्या आंसर होगा, देखो यहाँ पे दिया है के क्यू, है ना, डिटर्मिनांट ए। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ सुनना, कभी कभी यहाँ पर के की जगह पर वैल्यू लिख देगा, बोलेगा कि थ्री ए का डिटर्मिनांट बराबर वाट, यही दे देगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देगा के की जगह थ्री, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग लिखते थे के पावर थ्री, है ना, तो यहाँ पर तो के जगह थ्री दिया हुआ है, तो थ्री इसका ऑर्डर कितना था थ्री, फिर ऐसे लिखेंगे, है ना, यानी कि सत्ताईस ए का डिटर्मिनेंट होगा, बस समझ आ रहा है, है ना। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा केयर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, तो आपका तो ये होगा, या मैंने इसी फालतू बता दिया इसी तरह साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।